धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र लोकसभा कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ बच्चों की जुबान ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन वो उसकी टिप्पणी पर खुद कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल भतीजे दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला के बारे में ये कहा था कि वो भाजपा के पास समझौते के लिए गिड़गिड़ाने गए थे। वहीं अभय चौटाला ने कहा, भाजपा से समझौते की बात को खारिज करते हुए कहा, हमने कभी भाजपा से समझौते की बात नहीं चलाई थी और हम तो सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे सभी प्रत्याशियों का ऐलान 15 तारीख तक हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके किसको उम्मीदवार बनाया जाए उसमें कार्यकर्ताओं की राय ली गई। इसी सिलसिले में हमने अपनी मीटिंगें शुरू करी है। हम 15 तारीख को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। कुछ बच्चों की जुबान ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैं इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। जो जैसी सोच रखता है वो वैसी ही बात करेगा। अब लड़ाई आज जो है इस बात की है कि लुटेरे किस्म के लोग अलग अलग पार्टियों से पैसे के बलबूते पे टिकटें लेकर के आ रहे हैं और हमारी लड़ाई चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक बात कही कि इस देश में दो जमात है, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। हम कमेरे के साथ हैं। इसी बात को लेकर के जो लुटेरे आज टिकटें लेकर के आएंगे हम उनके सामने कमेरा व्यक्ति लेकर के आएंगे, जो 100% किसान होगा, जो कमेरे वर्ग से जुड़ा होगा उसको हम पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार बना करके लुटेरों को भगाने का काम करेंगे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।